सिंध असेंबली में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब अपोजिशन अराकीन अपने साथ चारपाई और बिस्तर भी ले आए और जमहूरियत का अलामती जनाजा निकाला। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी के जरिए सदारत इजलास के दौरान उस वक्त ऐवान में हंगामा आई और धक्कम पेल शुरू हुई जब अपोजिशन अराकीन ऐवान में चारपाई ले आए और उस पर बिस्तर बिछाने की कोशिश की। सार्जेंट एट आर्म्स ने अपोजिशन अराकीन की चारपाई के साथ ऐवान में आने से रोकने की कोशिश की जिस पर हंगामा हो गया। रोकने पर कायदे हिजबे इख्तलाफ हलीम आदिल शेख खुर्रम जमा की क्यादत में पीटीआई अरकान सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर बैनर उठाकर एहतजाज और शदीद नारेबाजी करते रहे। वो नारे लगा रहे थे कि जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी ने ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से ऐवान में चारपाई और बिस्तर लाने के वाके पर कहा कि आप लोगों ने ऐवान की तोहीन की है। दूसरी जानब सिंध असेंबली में अपोजिशन की जानब से बजट की मंजूरी के खिलाफ करारदाद जमा कराई गई जिसमें बजट की मंजूरी को गैरकानूनी करार दिया गया। करारदाद पर पीटीआई और जीडीए के अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं।